देखिए बात यह है कि ये लोग अभी जो आधार बनाए हैं, ये लोग पूछ रहे हैं अखबार का कटिंग या अखबार को लेकर आए हैं लोग। इन लोगों का कहना है कि भाई टीआरआई में जब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है वहाँ पर आप लोग गए थे और आप लोग ये जब भोजपुरी मगही सब भाषा का काम हो रहा था तो आप लोग उसका विरोध नहीं क्यों नहीं किए। हम इन लोगों को बोल रहे थे कि हम लोग अपना भाषा का काम करने के लिए गए थे, अब वहाँ पर क्या हो रहा था नहीं हो रहा था उसको हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम लोग अपना भाषा का काम किए और चले आए। अब वो जो पेपर वगैरह जो बना है उसको आधार बना करके दिखाया जा रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। अब इन लोगों का कहना है कि सब कैसे मिटने, केवल यहाँ की भाषा को ही क्षेत्रीय भाषा माना जाएगा और बाहर की भाषा को क्षेत्रीय भाषा नहीं माना जाएगा, तो ये बाहर का भाषा इसके बावजूद बाहरी भाषा को शामिल कर दिया गया है, अब ये सब कैसे यहाँ से अलग होगा कैसे हटेगा ये कहा जा रहा है अभी। तो ये तो अगर हटाने का बात होगा तो जनता आंदोलन करेगी, जनता का दबाव जनता का मांग पर सरकार सुनेगी तब हटेगा, अगर सरकार नहीं सुनेगी और जनता का मांग उतना बृहत पैमाने पर नहीं होगा प्रदर्शन वगैरह तब नहीं होगा। ये भाषाविद के नाते आप किस रूप में देखते हैं, अगर वाकई में ये लोग कह रहे हैं कि जो बाहरी भाषा है खास करके जो भोजपुरी मगही अंगिका उसको लेकर के है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए मगही भोजपुरी अंगिका ये सब भाषा के बारे में हम लोग सरकार के स्तर पर बात कर चुके हैं पहले भी, ये बात अभी भी हम कहे फिर दोहरा रहे हैं। और सरकार का कहना है कि देखिए भोजपुरी पलामू के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, अंगिका भागलपुर की मुख्य भाषा है लेकिन साहेबगंज के आसपास यह भाषा बोली जाती है, और आपका जो है मैथिली भाषा वगैरह उसके बारे में भी कहा जाता है, ये सरकार के लोग बोलते हैं कि साहेबगंज के आसपास बोला जाता है। तो इन लोगों का कहना है कि जो भी भाषा जिसको आप लोग बाहर की भाषा कहते हैं उन भाषाओं को जो यहाँ पर द्वितीय राजभाषा के रूप में रखा गया है, तो कुछ क्षेत्र में उन भाषा के बोलने वाले लोग हैं तो वो लोग झारखंड में हैं, उन लोगों को झारखंडी मानकर हम लोग इसको शामिल किए हैं, उनका कहना है, यही बात है। तो फिर सवाल ये है दादा कि फिर आप लोग, जाहिर सी बात है आप लोग टीआरआई में जाते हैं, आप सरकार भी आप लोग से मंतव्य शायद लेती होगी इस विषय में, तो आप लोग का अपना आकलन क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए आप के हित में आदिवासियों, देखिए आप जो सवाल आप कर रहे हैं हम लोग से कभी भी आज तक सलाह नहीं लिया गया कि कौन भाषा रहेगी कौन भाषा नहीं रहेगी, कौन यहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी नहीं होगी, इस विषय पर हम लोगों से कभी भी नहीं पूछा गया। ये कटघरे में खड़ा करते हैं कि आप लोग जाते हैं आप लोग, देखिए हम लोग अपोज नहीं, देखिए अभी हम लोग वही सवाल अभी छात्र भी कर रहे थे और हम बोल रहे थे कि हम लोग अपनी भाषा का काम करने के लिए गए थे, हम लोग जहाँ भी सरकार के स्तर पर जाते हैं सरकार बुलाती है तो जाते हैं, हम लोग अपना भाषा का काम करके आते हैं, दूसरी भाषा के लिए सलाह लेने के लिए नहीं बुलाती है सरकार हम लोग, इसलिए उसके बारे में हम लोग क्या जवाब देंगे। लेकिन हम भोजपुरी मगही और उर्दू और अंगिका का जो भी है जो शामिल किया गया है उनके बारे में सिलेबस बनाने के लिए, उनका सिलेबस तैयार करने के लिए हम लोग नहीं गए थे, हम लोग गए थे जो हमारा भाषा जो सौंपा गया था, कुड़ुक है मालतो है और भी जो भाषा असूरी है, इन भाषाओं का सिलेबस तैयार करने के लिए हम लोग को बुलाया गया, तो हम लोग तैयार करके आ गए। अब ये आरटीआई कैसे शामिल की, किस आधार पर शामिल की, तो आरटीआई से पूछने पर पता चले, टीआरआई से पूछने पर पता चलेगा। तो टीआरआई को जब हम लोग ने रिपोर्ट किया, टीआरआई को जब हम लोगों ने आरटीआई किया था है ना, तो उन्होंने देखिए ये आपका ये रिपोर्ट है 17/19/2022 का, झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने वाले की संख्या पर किए गए शोध प्रतिवेदन के प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो जब आरटीआई का रिपोर्ट क्या आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के आलोक में कहना है कि संदर्भ में शोध कार्य संस्थान के अभी तक किया ही नहीं गया, जब शोध कार्य किया ही नहीं गया इन भाषाओं पर कि कितना बोलने वाले हैं कितना पढ़ने वाले हैं, तो इन भाषाओं को शामिल कैसे किया गया, आखिर क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का मापदंड क्या है, उसी का आधार हम लोग पूछने गए तो अभी ये तो है ही नहीं तो शामिल कर दिया। टीआरआई से तो आपको जवाब नहीं मिला, नहीं मिला, अब कहाँ जाएंगे जवाब देने? अब हम लोग टीआरआई जाएंगे, अभी जनजातीय क्षेत्रीय शोध संस्थान में थे, अभी हम लोग टीआरआई जाएंगे और टीआरआई को पूछेंगे आप लोग किस आधार पर शामिल किए। इन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये केवल वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट का राजनीति करने के लिए सरकार अपने तरीके से इन भाषाओं को शामिल किए है, जो भाषाई अतिक्रमण है जो हम लोग भी कतई बर्दाश्त करें, हम लोगों ने विरोध किया था लेकिन सरकार अपने मन से अपने आधार पर शामिल किया।
अभी आप इस बारे में स्पष्ट? हाँ एकदम एकदम, अभी टीआरआई के मिलने के बाद टीआरआई क्या रिपोर्ट देती है, टीआरआई क्या जवाब देती है, उसके बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और सभी मंत्रियों को हम लोग घेरने का काम करेंगे और जितना बड़ा विद्रोह हो सके, जितना बड़ा उलगुलान है हम लोग करेंगे और कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भाषाई अतिक्रमण होगा तो पूरी तरह से संस्कृति का अतिक्रमण हो जाएगा और जब संस्कृति का अतिक्रमण होगा तो पूरी तरह झारखंड अपना पहचान, अपनी अस्मिता खो देगा। हमारे जो शिक्षक गए तो अगर हम लोग अगर जानकारी दे देते, अगर हम लोग को किसी को भी जानकारी देते तो हम लोग अपना भाषा के लिए कुछ तो करते हैं। कल के दिन में अगर वो यहाँ पे अगर एक भी सीट अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग का हक अधिकार ही ना मारा जाएगा, ये आप भी जान रहे हैं सर। अगर उस विषय में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी, अपना भाषा का काम कर रहे हैं, अपना भाषा का करने गए सर, तो अपना भाषा के साथ साथ ना हम लोग का भाषा का काम हुआ मान रहे हैं, लेकिन हम लोग का भाषा का काटा भी तो गया है ना, अगर दूसरा भाषा एड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का भाषा तो खत्म ही हो जाएगा। देखिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग विरोध कीजिए, आप लोग को मना नहीं है, सब लोग सबको मिल करके विरोध कर रहे हैं, यही सब बात है, लेकिन सुनिए बात भी सुनिए ना, आज आपको बोलते आपका शिक्षा मंत्री को नहीं मनवाइएगा, मुख्यमंत्री को नहीं मनवाइएगा, तो उससे पहले ही लोग कर दिया है सामने की सब भाषा को, इसको हटवाने के लिए तो आपको प्रयास करना होगा ना, तभी ना होगा। आप देखिए बहस से कोई फायदा नहीं होने वाला, बहस नहीं सुनिए सर, सर आप जानकार हैं, आप भाषाविद भी हैं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या अंगिका, उर्दू, भोजपुरी और उड़िया क्या यहाँ का क्षेत्रीय भाषा हो सकता है या है? देखिए हम लोग सुनने से हम लोग भी जैसे आप लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग आप लोग तो अभी भी विरोध कर रहे हैं, हम लोग उसी टाइम विरोध कर चुके हैं, लेकिन हम लोग का बात को सरकार नहीं सुनी, उल्टा बता दिया कि हम लोगों को बताया गया कि नहीं आप ही का कुछ कुछ बड़े लोग इसको करवा दिया, हम लोग को भी ऐसे ही कहा गया जैसे अभी आप लोग कहा, मतलब इसको हम पूरी तरह से राजनीतिकरण समझे, वोटों का ध्रुवीकरण समझे, राजनीतिकरण समझे, हमको भी वही सब लगता है और दूसरा कुछ नहीं लगता, और इसका आधार ये लोग बोलता है कि देखिए भोजपुरी का हम लोग विरोध किए, भोजपुरी के बारे में कहा गया कि नहीं पलामू में बोला जाता है, अंगिका के बारे में कहा गया कि साहेबगंज में बोला जाता है, हम लोग वही सब कह करके बोला कि हम लोग वो लोग भी हम लोग का झारखंड का नागरिक। अच्छा सर एक प्रश्न है, नागपुरी जो है, नागपुरी भाषा जो है असम में पूरा बोला जाता है, क्या असम में नागपुरी भाषा को मान्यता मिलेगी? देखिए एक मिनट, एक सवाल और है सर। अरे सवाल हमसे कीजिएगा तो हम सरकार में नहीं यार, सुनिए टीआरआई विभाग में गए तो हम अपना काम करने के लिए गए, तो अपना काम करने के लिए नहीं जाए सर, अगर अगर आप जान रहे हैं कि जान रहे अभी अगर झारखंड के नहीं जान रहे, अगर झारखंड के अहित में हो रहा है काम सर, अगर मेरे अरे यार छाव से हो गया है यहाँ। अच्छा सर आप इसको बताइए, इसके पहले आप लोग चलिए सुनिए, आप लोग कभी सवाल करने के लिए आए हैं कि समाधान निकाल, समाधान हम लोग निकाल सवाल किए जा रहे हैं, ठीक है सर, अरे भैया समाधान भी मिलेगा, समाधान करने अगर समाधान चाहते हैं तो सबको मिल करके लड़ना होगा, तब होगा, आप शामिल हो गए ठीक है, अब आप बताइए कि इसको हटाया कैसे जा सकता है, किस संस्था से हम लोग संपर्क करें जो इसको हटा सकता है? इसको आपका छात्र संगठन ही बनाना होगा, कोई दूसरा संगठन कौन करेगा, सरकारी संस्थान थोड़ा इसका विरोध करेगा, छात्र संगठन ही बना करके आपको मंत्री पर दबाव बनाना होगा कि इसको आप सूची से बाहर कीजिए, सूची से बाहर कीजिए। देखिए हम लोग का भाषा को आप लोग को बता रहे हैं कि ये सब नौ भाषा को शामिल नहीं करके केवल बांग्ला, उड़िया, उर्दू सब को शामिल कर रहा था, हम लोग यहाँ से सूरज सिंह मिश्रा और यहाँ के गांधी जी, हम लोग नौ दस आदमी, केवल नौ दस आदमी थे, राजभवन गए थे उस समय और जा करके हम लोग विरोध किए कि अगर ये सब भाषा यहाँ का नौ भाषा को शामिल किए बगैर आप लोग उन सब भाषा को शामिल कर रहे हैं तो कल से हम लोग आग लगाएंगे, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।